कान में भारीपन और दर्द एक ऐसी समस्या है जिसका सामना आपने कभी ना कभी किया ही होगा। कई लोग इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं कुछ लोग माचिस की तिल्ली या फिर चाबी से कान कुरेद कर इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी ऐसे ही लोगों में हैं? अगर हाँ, तो आपका ये रवैया आपके कान के लिए भारी पड़ सकता है, इसीलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। वहीं अगर आप इस तरह की परेशानी का समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, तो आप बहरेपन का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इसे ठीक करने के आसान उपाय बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर कान में ये भारीपन महसूस क्यों होता है। दरअसल कान पर जब किसी तरह का दबाव पड़ता है तो आपको अंदर से कुछ भरा हुआ सा महसूस होने लगता है। ये तब होता है जब कान की यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या ठीक से काम करना बंद कर देती है। यूस्टेशियन ट्यूब तब खुलती है जब कोई व्यक्ति चबाता है, निगलता है या जम्हाई लेता है। कई बार ये काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से कान में भारीपन और दर्द, बेचैनी और सुनाई देने में परेशानी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। अब जल्दी से कुछ वजहों के बारे में जान लेते हैं जिससे यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। कान में मैल का जमना, कान में घाव या फुंसी का होना, कान में पानी या शैम्पू जाना, साइनस की परेशानी बढ़ना, कान में संक्रमण फैलना। चलिए, आपने इसके कारण और लक्षण तो जान लिए। अब देश भर के काबिल हकीम सुलेमान खान जी से इसको ठीक करने का उपाय जान लेते हैं। देखिए, एक तो आप ऐसे बैठे हैं सीधे, और ये एक्सरसाइज आपको ये कान में लाना है, इससे 3 मिनट एक दिन में कर लेनी है, चाहे 6 किस्तों में करें। और एक ये ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, चटर पटर मेरी गर्दन में यहाँ आवाज़ आ रही है, लेकिन ये यहाँ तक आ जाती है, ये भी 3 मिनट। हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े ये, लेकिन 10-15 दिन लगातार करें। अगर इससे ठीक हो जाता है तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं है।